Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness guys. तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में कौन आने के लिए तरस रहे हैं, हु इज रियली ऑब्सेस्ड अबाउट यू, हु इज रियली थिंकिंग अबाउट यू एंड हु वॉन्ट्स अ परमानेंट कनेक्शन विद यू. ऐसा नहीं है कि वो टेम्पररी कनेक्शन है, बट हाँ ये इंसान आपके जिंदगी में इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज दे वॉन्ट अ परमानेंट कनेक्शन एंड दे लव यू सो मच. तो देख लेते हैं कि इंसान कौन है एंड ऑब्वियसली हम बता देंगे. व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऐसा कौन है जो उनको बेहद चाहते हैं, हु इज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट देम, हु इज पॉजिटिव अबाउट देम, हु वॉन्ट्स टू हैव अ परमानेंट कनेक्शन विद देम. देखो परमानेंट कनेक्शन विद देम है ना, भगवान के पास जाके क्या आदमी आज कार्ड आया है, फर्स्ट फोर ऑफ गैब्रियल, दिस इज फोर ऑफ वैंड्स. ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द फर्स्ट कार्ड. ओके नेक्स्ट कार्ड वी डू हैव एस ऑफ एरियल. ओके वी डू हैव द स्टार, यहाँ पे है सिक्स ऑफ एरियल, द मून, द स्टार द मून, यहाँ पे है नाइन ऑफ एरियल. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ रफाइल. ओके एंड वी डू हैव किंग ऑफ गैब्रियल, थ्री ऑफ रफाइल. सो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो तो है ही, कर्क वृश्चिक और मीन राशि, लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. ओके एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पे है. वी डू हैव पाइशिस मीन राशि यहाँ पे है. मीन और कुंभ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे साइंस तो आगे वृषभ कन्या मकर यहाँ पे मेष सिंह धनु एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा एज वेल एज कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. इंपॉर्टेंट नंबर्स है 4, 6, 9, 18. सो 9, 18, 27 इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके आपके पर्सन का. 17th हो सकता है, 4, 11, 11 आप देख सकते हैं, या 11th किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. नवंबर मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, द विंटर सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कुछ लोगों के लिए. यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऊटी डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है. अगर आप बहुत ज़्यादा ही खर्चा करने वाले हैं तो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपके साथ उस तरह के एक फेरी टेल वेडिंग चाहते हैं जहाँ पे गिने चुने लोग आए लेकिन बहुत मज़ा हो. देखिए बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर्स हो लेकिन आपस में आप एकदम एक दूसरे में खो जाए, यही चाहते हैं ये इंसान. आपके पर्सन आपसे परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं या नहीं, यस दे वांट. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी इस कनेक्शन में हैं और आपके पर्सन आपको ऐसा महसूस करवाते भी है कुछ लोग के लिए कि आप उनके जीवन में एकदम अहम हो. यू आर द प्राइमरी इम्पॉर्टेंट ओके पर्सन इन देयर लाइफ, यू आर देयर मोस्ट प्रायोरिटी. ये इंसान आपको ऐसे ही फील करवाएंगे. एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, दे कैन बी टोटली लाइक इन टू द बेस्ट थिंग्स ऑफ देयर लाइफ, मतलब सबसे अच्छे चीज़ों के ऊपर नज़र हमेशा इन्हीं का है, लेकिन उसके लिए एकदम मेहनत तो ये बहुत ज़्यादा करते हैं. अगर इनको किसी के अगेंस्ट में कार्रवाई करने हैं, अगर कोई ये एक लॉयर है, अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी लॉ रिलेटेड मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे होता है राइट, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज उस तरह के, या डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स FDI, बहुत सारे एजेंसीज होते हैं जो गवर्नमेंट इंटरनेशनल गवर्नमेंट से रिलेट होता है. कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि फेडरल
गवर्नमेंट से भी रिलेट करते हो, कुछ लोगों के लिए फॉरेन में है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है इनका जन्म उस दौरान हुआ था जहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स या नारंगी दैट इज ऑरेंजेस ओके वर वेरी पॉपुलर स्पेशली द विंटर सीजन, लेकिन उस देश में ठीक है हो सकता है कि ऑल ओवर द यू कैन से दैट वेदर कंडीशन में ऐसा होता है, बट जनरली विंटर सीजन ही होता है। कुछ लोगों के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, फार्मेसी रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब मेडिसिन का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑर्गेनिक फार्म इनके पास है, हो सकता है जेलीज जैम्स ठीक है प्रिजर्व्स उस तरह की चीज़ें ये बनाते हो, पिकल्स, कुछ लोगों के लिए ये अपने फील्ड पर बहुत पॉपुलर है। जैसे कोई स्टार अगर स्टेज में उठा राइट प्लेटफॉर्म उसको मिला वो एक इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस ही देगा, उसकी वॉइस उसकी टोन उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी एक्शन उसका ग्लो कहीं ना कहीं पे अनोखा ही होता है, इसलिए सारे जनता जो है ऑडियंस जो है उन्हीं के ऊपर उनका नज़र होता है। सो आपके पर्सन उसी तरह से है, और ये पर्सन अगर आपके ज़िंदगी में आते हैं तो आप तो समझ लें कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से हील्ड होगा। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि दे लव बेसिकली टू इन्वेस्ट एंड ऑल्सो टू इनकर एक्सपेंसेस, बहुत खर्चा भी करना चाहते हैं और इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं लेकिन इनसे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, काफ़ी भावुक भी है अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, बहुत भावुक है बहुत ही ज़्यादा, दे आर रियली वेरी इमोशनल इफ़ आर लुकिंग फॉर फीमेल, दे आर एम्पैथ ठीक है, दे आर स्पिरिचुअल दे आर रिलीजियस ठीक है, और ये इंसान जो भी हो ये काफ़ी अच्छा साइकिक हो सकते हैं, दे कैन बी लाइक अ टैरो रीडर, दे कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, दे कैन बी न्यूमरोलॉजिस्ट, दे कैन बी इन टू द हीलिंग थेरेपी इसी तरह का काम, या हो सकता है कि नर्सिंग मेडिकल उस तरह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ है राइट, पोस्टल सर्विसेज में ये हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनके लिए पैसा का सोर्स उतना बड़ा मैटर नहीं है। अगर आप पुरुष के लिए देख रहे हैं राइट, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पुरुष, इस पुरुष के अंदर वो सारे गुण हैं जो एक औरत ढूंढती है। तो अगर आप एक औरत हैं, ये मैन ओके दिस मैन इज़ योर मैन दैट यू आर लुकिंग फॉर, सो बेसिकली ये इंसान सारे आप जब आप इस इंसान के सामने आएंगे ना तब आपको ऐसा लगेगा कि आप ना सारे बर्डन से मुक्त हो गए, आप बहुत लाइट फील करेंगे एक फेदर की तरह। ये इंसान आने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रिमोनिशंस होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे समवन इज़ फॉलोइंग यू राइट, समवन वांट्स टू कांटेक्ट विथ यू ठीक है, इन ड्रीम्स हो सकता है सपने में आपके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनके भी जैसे देखो डर तो सबका होता है राइट, डर सभी जाते हैं, बट क्या होता है ना कि डर के आगे ही वो वाला है जो जीत है। सो ये इंसान अपने जीत के लिए सब कुछ डर को इनसिक्योरिटी को काबू में रखते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। देन ऑल्सो आई वॉन्ट टू सी विद द हेल्प ऑफ द चिट्स, फिर उसके बाद हम इनिशियल्स देखेंगे एंड और भी कार्ड्स देखेंगे। मैट्रिमोनियल डेटिंग ऐप ऑनलाइन नेटवर्किंग साइट्स पर आप मिल सकते हैं इनके ओके स्केल्स लिब्रा, दे कैन बी अ लिब्रा एसेंडेंट, लिब्रा सन मून जोडियक साइंस, विंटर सीजन का ही मैं बात कर रही थी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डील्स विद मशीन्स, तो कोई मशीन से इंडस्ट्रियल एरिया से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। सीरियस पास्ट इश्यूज आपके हो सकते हैं या इस इंसान के सीरियस पास्ट इश्यूज हो सकते हैं। सो फ्रेग्रेंस एंड एरोमेटिक, ये इंसान को परफ्यूम जैसे इतर होता है ठीक है उस तरह की चीज़ें उनको बहुत भाते हैं। बीइंग इन द इनको ना वो चॉकलेट मिल्क शेक्स ठीक है, फिर वो दे डोंट यूज़ दैट नॉर्मल बटर, दे यूज़ पीनट बटर उस तरह के जो मतलब आई कैन से लाइक यू नो वर्ड जहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स कम होंगे, होम मेड थिंग्स घर पे बना हुआ चीज़ें वो बहुत ज़्यादा अच्छा खाते हैं। मेंटेन्स फिटनेस, अभी तो यही बात कर रही थी, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते हैं
ठीक है. ऑब्जर्व यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट, आपको बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं. सो दे आर स्टॉकिंग यू. रिलीज एक्स, हो सकता है ये इंसान आपको तभी मिल रहे हैं जब आप अपने ज़िंदगी से कोई एक्स पार्टनर या पास्ट पार्टनर को टाटा बाय बाय कर रहे हो. स्पिरिचुअली बॉन्डेड, आई टोल्ड यू. वेल पेड जॉब्स, पैसों की कोई कमी नहीं होगा. हैमॉक, हैमॉक एक तरह का बेड होता है जो जनरली बीच साइड पर या रिसॉर्ट्स में मिलता है. लोग आराम से वहाँ पे झूला जैसा है झूलते रहते हो, सदा इनके घर में हो. आई विल फॉलो ऑल माई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स यू. ऑब्वियसली ये जब आपकी जिम्मेदारी लेंगे तो उसको दिल से निभाएंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो. कंट्रोलिंग टेंडेंसी हो सकता है, मे बी एट ऑफिस. स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलर है. ओके. स्माइलिंग फेस, सोबर, जेंटल, लव्स एनिमल्स. एनिमल्स को बहुत अच्छा, मतलब उनको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा. एट योर वर्क प्लेस, बिजनेस या क्लाइंट्स हो सकते हैं. अभी मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं इनिशियल्स देख लूँगी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आने वाले हैं. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें. देखा, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स. सो ये आपको बहुत ज़्यादा, 19 इज़ द नंबर फॉर सन. सन है, मून है एंड द स्टार. सो एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे द ग्रेट एप्रिसिएशन. तो ये बात बात पर आपको गिफ्ट देंगे या तो आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये आपके बॉस भी हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहादुरी का काम किया है आपने, जैसा किया शायद किसी ने नहीं किया, इस तरह से प्रोत्साहित करेंगे. एक्शन स्पीक लाउडली, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल के ही ख़त्म, बट मैंने आपको यही कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा ही तैयार होंगे. आई डू फाइंड दैट दे हैव गुड ओवरव्यू. ठीक है, बहुत ऊपर से जैसा होता है ना, ऊपर से देखने वाले इंसान. यहाँ पे क्या है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल. वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक. कभी कभी ये रेस्ट लेना भी भूल जाते हैं, इतना हार्ड वर्क ये करते हैं. न्यू लव, मैंने आपको यही कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए न्यू कनेक्शन दिखाई दे रहा है जब आप अपने एक्स को रिलीज कर रहे हो. सितारे यहाँ पे भी है और सितारे यहाँ पे भी है. सो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा इस इंसान के द्वारा. अभी मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ एंड देन आई विल एंड द रीडिंग. सो लेट्स सी. ZRAS 23 24 32 34 एज हो सकता है किसी का. HBELT बेल्ट, ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बेल्ट को यूज़ करते हैं. इवन अगर ये फीमेल है तो साड़ी के ऊपर भी ये बेल्ट यूज़ करते हैं. ओके, दे आर एक्चुअली वेरी हॉट. ओके, दे कैन बी एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. ओके, दे कैन स्टे इन दिल्ली. ओके, आरव नाम हो सकता है, आर्यन हो सकता है, जिया हो सकता है नाम. लिमिटेड, कोई लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे होता है ना कि हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड, कोई प्राइवेट लिमिटेड में हो सकते हैं. ओके, आकाश नाम हो सकता है, जारा नाम हो सकता है. ओके, ओके, सो बाकी आप लोग देख लेना. आकांक्षा हो सकता है, आशीष हो सकता है. ये नॉर्थ वेस्ट, आप जहाँ पे भी है, ठीक है, स्पेशली अगर इंडिया में है तो नॉर्थ वेस्ट सेक्शन से ये आ सकते हैं. नॉर्थ वेस्ट, कैन बी फ्रॉम दिल्ली आल्सो, दिल्ली नोएडा रीजन. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.